Hello, this is Professor Vinay from JKB Education and IT Services. In this particular video, we are going to see how to fill the option form for the CAP round in the engineering admission process that happens in entire Maharashtra. Mumbai, Pune, Puri, Maharashtra mein ek saath admission process hoti hai aur ye mere samne live option form hai. Aapko dikhane wala hu ki option form kaise fill up karte hai CAP round ke liye. CAP round is centralized admission process jo pure Maharashtra mein ek saath hoti hai. जिसमें मुंबई पुणे और पूरे महाराष्ट्र के सभी यूनिवर्सिटीज आती है, तो ये इंस्ट्रक्शन पॉज करके आराम से पढ़ लो क्योंकि मैं आप प्रोसीड करने वाला हूँ ऑप्शन फॉर्म के लिए। पूरे एडमिशन प्रोसेस में दो पार्ट होते हैं, एक इनरोलमेंट फॉर्म जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, और ये लाइव ऑप्शन फॉर्म है गवर्नमेंट का जो एक कैंडिडेट का मैं फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पे चार स्टेजेस होते हैं, शॉर्ट लिस्ट योर ऑप्शन, सेट योर प्रेफरेंसेस, ऑप्शन फॉर्म समरी एंड कन्फर्म योर ऑप्शन। कन्फर्म करने के पहले ये तीन जगह पे जाके आप मल्टीपल टाइम्स एडिट कर सकते हो। तो शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शन में आपको क्या करना है, ब्रांच सिलेक्ट करनी है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दोनों सेम ही है। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पूरे महाराष्ट्र में है। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट देखो कितने सारे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में मुंबई यूनिवर्सिटी आती है। मैंने छोटे छोटे वीडियोज बनाए, रील्स बनाए हैं जहाँ पे आपको सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेजेस है कंप्यूटर साइंस के पता चल जाएगा। मैं इसको ऑल रखूंगा। अभी ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के इतने सारे टाइप है, देखो गवर्नमेंट कॉलेज में 100% गवर्नमेंट अलॉटेड सीट है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी 80% गवर्नमेंट अलॉटेड सीट है। उसके लिए आपको मेरा प्राइवेट काउंसलिंग ऑर्गेनाइज किया है मैंने, वो आपको अटेंड करना पड़ेगा, टीम जेकेबी को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। जो फ्री काउंसलिंग में आपको इन्वाइट करेंगे, ये सब कॉलेज के टाइप्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। देखो सीईटी सेल के थ्रू ऑनलाइन एडमिशन लो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज का फर्क नहीं पड़ता। इसको ऑल रखूंगा मैं। ऑटोनॉमी नॉन ऑटोनॉमी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। टीएफडब्ल्यूएस मतलब फ्री सीट किसको मिल सकता है अगर इनकम 8 लाख से कम है तो, लॉटरी सीट, ये उन बच्चों के लिए जिनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक है और उनको अच्छा स्कोर मिला है लेकिन फ्री में एडमिशन लेना है तो उनके लिए है। इतने सारे टाइप की रिजर्वेशन माइनॉरिटी हमारे महाराष्ट्र में है। अगर माइनॉरिटी किसी कॉलेज में है तो वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन है तो माइनॉरिटी नहीं है। इसको मैं ऑल रख रहा हूँ। अभी मैं सर्च करूंगा तो दिस आर द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस वी हैव, कम से कम 60 कॉलेजेस में है, आप आराम से पॉज करके देख सकते हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये ऑप्शन विजय डी आई, और दूसरा ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से फादर अडनन नवी मुंबई का, और यहाँ पे मैं एड सिलेक्टेड ऑप्शन करता हूँ। एड सिलेक्टेड ऑप्शन करने के बाद ये 58 बचेंगे और ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैं 7 प्रोसीड करूंगा। 7 प्रोसीड करने के बाद सेट योर प्रेफरेंसेस आ जाएगा, तो मुझे अभी फिलहाल प्रेफरेंस सेट नहीं करना है, मैं फिर से शॉर्टलिस्ट और ऑप्शन में आता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ, दो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज है मुंबई और पुणे। पुणे यूनिवर्सिटी देखो इतने सारे रीजन में है तो उसको मैं ऑल रखता हूँ। भी गवर्नमेंट की कोई भी कॉलेज का टाइप हो फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कॉलेज में मिलती है ना तो गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, फिर कास्ट के बेनिफिट्स हो, फीस के, या फिर आपको मार्क्स के बेनिफिट हो जो मिलते हैं। ओपन वाले बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीट है जहाँ पे आपको आधी फीस रहेगी पर कास्ट को तो पूरा बेनिफिट मिलेगा। ऑटोनोमस और ऑटोनोमस फर्क नहीं पड़ता, टीएफडब्ल्यूएस मतलब फ्री सीट है, और माइनॉरिटी तो अगर आप किसी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो इसमें आप पढ़ सकते हो पॉज करके। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो देखो इतने सारे कॉलेजेस मुझे मिले, इसके लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए पुणे यूनिवर्सिटी में 99 से एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है क्या, सीओएपी, हाँ क्योंकि सीओएपी का अलग से यूनिवर्सिटी बन चुका है, कौन सा, यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें आप जाओगे सर्च करोगे तो आपको सीओएपी का ऑप्शन ऐड करने मिलेगा जो कि मैंने ऐड कर दिया। अब मैं फिर से पुणे यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ तो इतने सारे कॉलेजेस आ गए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट से कोई भी कॉलेज, पिंपरी कॉलेज, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो काफ़ी अच्छा है, एल मतलब रीजनल लैंग्वेज, ओके बंसीलाल ना VIT, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं पुणे में भी और मुंबई में भी, मैं रिकमेंड करता हूँ कि मुंबई के बच्चे मुंबई में रहेंगे, पुणे के बच्चे पुणे में रहेंगे, ठीक है। इतने सारे कॉलेजेस मैंने सिलेक्ट किए,
अब मैं क्या आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये जो कॉलेजेस का कोड है ना उसमें 6 जो है 5 और 6 वो पुणे यूनिवर्सिटी के लिए है, 3 मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए है, आगे जो 138 है वो कॉलेज का कोड है, 245 ये ब्रांच का कोड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, 1 मतलब फर्स्ट शिफ्ट जो सेकंड लास्ट डिजिट है, 2 रहेगा तो सेकंड शिफ्ट, लास्ट में 0 है मतलब नॉन TFWS, लास्ट में T रहेगा तो TFWS आएगा 0 के बदले, और L आएगा तो रीजनल लैंग्वेज रहेगी। तो जितने भी ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किए इसको ऐड करता हूँ मैं, तो देखो मुंबई के कितने आ गए, 2 ऑप्शन आ गए, पुणे के 3-4 ऑप्शन डाल दिए मैंने। यहाँ पे मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, अगर मैं कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे डी पर नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। देखो एक रिक्वेस्ट है आपको, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट मैं दे रहा हूँ आपको ये वीडियो में, जो एडमिशन प्रोसेस में वही जाओ, अगर आप CET सेल के थ्रू एडमिशन प्रोसेस में जाते हो तो 99% कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र का आपको मिल जाएंगे और आपकी इंजीनियरिंग 50,000 से लेके 5-6 लाख में हो जाएगी। कास्ट में जो है उनको फ्री में इंजीनियरिंग है, TFWS सॉल्टर सिटी वो भी फ्री में इंजीनियरिंग है, TWS OBC को भी आधी फीस है, ओपन कैटेगरी को पूरी फीस देनी पड़ेगी लेकिन 4 साल की 5-6 लाख के ऊपर फीस नहीं जाती। तो अगर आपकी इंजीनियरिंग 5 लाख 50,000 से लेके 5-6 लाख में आपको करनी है तो आप 99% कॉलेजेस एडमिशन प्रोसेस में यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस है जो प्राइवेट है, जो एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, उन्होंने कमर्शलाइज किया इंजीनियरिंग को और वो 15 से 20 लाख रुपए वहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए लगता है, जितना खर्चा नहीं आना चाहिए। अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी या किसी महाराष्ट्र का रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट का डिग्री चाहिए तो आपको CET के थ्रू एडमिशन प्रोसेस में आना पड़ेगा। किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे जिसकी यार TV पे बहुत सारी आती है, वहाँ पे आपको मुंबई पुणे का डिग्री नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का डिग्री नहीं मिलेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का डिग्री मिलेगा। तो मैंने ऐड किया ऑप्शन, सिलेक्ट किया ऑप्शन, अब मैं 7 प्रोसीड करूंगा। अगर 7 प्रोसीड नहीं किया, ध्यान से सुनो, 7 प्रोसीड नहीं किया तो जैसे ATM में पैसा हमने टाइप करके निकाला ना, पिन कोड डाल के, ATM कार्ड डाल के, अपना 4-digit पिन डाल के पैसा निकलता है ना, तो जो पिन पैसा अगर हमने नहीं कलेक्ट किया तो फिर से अंदर जाता है, टाइम आउट बोलते हैं ना, ट्रांजेक्शन टाइम आउट। वैसे यहाँ पे भी आपने 7 प्रोसीड नहीं किया, आपने 50 ऑप्शन एक एक करके सिलेक्ट किया लेकिन आपने 7 प्रोसीड नहीं किया तो पूरा चला जाएगा, तो 7 प्रोसीड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 7 प्रोसीड किया यहाँ पे और मैं आगे आया तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है सेट योर प्रेफरेंसेस, तो मैं सेट योर प्रेफरेंसेस में विजय को पहला टिक करता हूँ तो फर्स्ट आता है, मैं COAP को दूसरा टिक कर रहा हूँ तो सेकंड आ रहा है, मैं PCCOA को तीसरा टिक कर रहा हूँ तो थर्ड आ रहा है, मैं फादर एलन को 4 टिक कर रहा हूँ तो 4th आ रहा है ना, मैं बंसीलाल BIT को 5th टिक कर रहा हूँ तो 5th आ रहा है, मैं इसको 7 प्रोसीड करूँगा, रिसीट कर दूंगा तो सब चला जाएगा। फिर से मुझे करना पड़ेगा VJTI, COAP, PCCOA, फादर एग्नल और VIT। अब इसको 7 प्रोसीड करूंगा तो ये 5 ऑप्शन आ गए, जो ऑप्शन फॉर्म समरी में मैं कन्फर्म करूंगा। अभी यहाँ पे 7 प्रोसीड करने की जरूरत नहीं, आप फिर से यहाँ पे जाके 2-2 ऑप्शन ऐड कर सकते हो। ऑप्शन फॉर्म समरी में जाने के बाद आप 7 प्रोसीड करते हो तो आपको ऐसा दिखेगा। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन फॉर्म कन्फर्म तब करना नहीं है, आप कब करोगे, जब आप बहुत सारे ऑप्शन डालोगे तब। अगर आपको 98% के ऊपर है तो आपको कम से कम 25-30 ऑप्शन डालने हैं, अगर आपको 95 के ऊपर है तो आपको 50-70 ऑप्शन डालने हैं, अगर आपको 90 के ऊपर है तो आपको 70-80 ऑप्शन 100 ऑप्शन डालने हैं, अगर आपको 85 के ऊपर है तो आपको 150 ऑप्शन डालने हैं, 80 के ऊपर है तो 200 ऑप्शन डालने हैं, बिलो 80 है तो 200 के ऊपर 250 ऑप्शन डाल दो, क्योंकि 300 ऑप्शन देते हैं, जितने ज़्यादा ऑप्शन उतना ज़्यादा चांसेस है आपको एडमिशन मिलने का, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। इसके लिए आपको मेरा रैंकिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा जो ऑनलाइन ऑफलाइन पूरे महाराष्ट्र में होता है, और ऑप्शन फॉर्म स्ट्रेटजी सेशन अटेंड करना पड़ेगा, पूरे एडमिशन प्रोसेस को अच्छे से समझना पड़ेगा, और ब्रांचेस का भी मेरा सेशन होता है, कंप्यूटर IT, AIML, AIDS, इतने सारे ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सभी ब्रांचेस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे अलग से सेशन होते हैं, फ्री सेशन होते हैं, तो आप अटेंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने चारों है ना सेक्शन आपको एक्सप्लेन किए, अब मुझे फिर से मेरा फॉर्म क्या करना है, फ्रेश करना है, तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, ऑप्शंस को डिलीट कर रहा हूँ और ये मेरा डिलीट हो गया, फिर से फ्रेश ऑप्शन फॉर्म बन गया है ना, अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, यहाँ पे मैं जा नहीं सकता, यहाँ पे मैं जा नहीं सकता, यहाँ पे जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने कुछ ऑप्शन डाला ही नहीं है, तो फिर से मुझे एक एक करके करना पड़ेगा। अभी ये ऑप्शन फॉर्म फिल करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ है अगर मैं आपको दिखा दूं तो गवर्नमेंट साइट की जो है, गवर्नमेंट की जो साइट है CET सेल, उसी पे भरोसा करना, और गवर्नमेंट के PDF है उसी पे भरोसा करना,
किसी यूट्यूब के वीडियो पे तभी भरोसा करना अगर वो गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन दिखाते रहेंगे, या फॉरवर्डेड मैसेज पे भरोसा मत करना, चाचा मामा का, चाचा का, दोस्त का, किसी का नहीं सुनना, बस गवर्नमेंट की पीडीएफ पे भरोसा करना और यहाँ से अपना ऑप्शन फॉर्म और रैंकिंग का लिस्ट बनाना। मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कॉलेज प्रेडिक्ट पोर्टल, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जेकेबी एजुकेशन का मेरा जो आईटी सर्विसेज है, यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट्स करता हूँ। मैं कम से कम 18 से 20 कॉलेज में एज अ गेस्ट फैकल्टी गया हूँ। पूरे महाराष्ट्र में 25,000 बच्चों को पिछले 12 साल में काउंसलिंग दे चुका हूँ और 18 कॉलेज में एज अ गेस्ट फैकल्टी गया हूँ इंजीनियरिंग के। मेरी खुद की आईटी सर्विसेज कंपनी है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। उसी का एक आपको डेमो दिखाता हूँ कि अगर आप CET/JEE स्कोर अगर आप सिलेक्ट करोगे, अगर आप 100% एल है कैटेगरी अगर आप ओपन रखते हो, यूनिवर्सिटी आप कौन सी भी सिलेक्ट करते हो, लेट से मुंबई, और ब्रांच सबकी फेवरेट कंप्यूटर साइंस अगर हम सिलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिफरेंस नहीं है, प्रेडिक्ट करोगे मतलब अपना स्कोर कि अगर आप जानना चाहते हो आपको कहाँ एडमिशन मिलने वाला है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको कहाँ पे एडमिशन मिल रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी में। अगर आप थोड़ा सा पीछे आके देखोगे, अगर आपको पुणे में देखना है तो यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी में चेक कर सकते हो। मुंबई के बदले आपको क्या करना पड़ेगा, पुणे यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करके आप अपना स्कोर डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पुणे में इतने सारे कॉलेज में कहाँ पर एडमिशन मिल रहा है अपना स्कोर डालने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रांच यू वॉन्ट टू सिलेक्ट। इट्स एन ऑसम सॉफ्टवेयर, ये पब्लिकली एक्सेस नहीं है, ये पब्लिकली एक्सेस है। अगर आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोल्हापुर में कितने कॉलेज है, महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। मुंबई में कितने कॉलेजेस है, पुणे में कितने कॉलेजेस है, ये आपको पता चल जाएगा, ये पब्लिकली एक्सेस है। लेकिन इसके लिए आपको टीम जेकेबी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये सीडी सेल की कट ऑफ है आपकी जिसमें आप भरोसा कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप स्टेट लेवल रैंक, यूनिवर्सिटी रैंक निकाल सकते हो कॉलेज का। और दूसरा कट ऑफ होता है ऑल इंडिया कट ऑफ, यस ये भी गवर्नमेंट की है, मैंने सीडी सेल से डाउनलोड किया, आप सबको सीडी सेल से मिलने वाला है, तो ये छोड़ के आप किसी पे भी भरोसा नहीं करोगे। और फिर से मैं ऑप्शन फॉर्म के पास जाता हूँ, तो ऑप्शन फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, एक बार आपकी लिस्ट रेडी हो गई, मैंने आपको कितने ऑप्शंस बनाने हैं बता दिया है, तो एक बार आपकी लिस्ट रेडी हो गई, लेट से 50 ऑप्शन 200 ऑप्शंस की लिस्ट रेडी हो गई, फिर 5-5 ऑप्शंस आप करके क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट कर देंगे, प्रेफरेंसेस सेट कर देंगे 1, 2, 3, 4 रैंकिंग के हिसाब से। और रैंकिंग कैसे निकलना है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे टीम जेकेबी को, या सॉफ्टवेयर के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या रैंकिंग सेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक बार ऑप्शन फॉर्म समरी आपने बना ली तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो कि सर ये लिस्ट सही है क्या, है ना, ये कॉलेज में कंप्यूटर करूँ या ये कॉलेज में आईटी करूँ, अच्छे कॉलेज में आईटी करूँ या उसके कम रैंक वाले कॉलेज में कंप्यूटर साइंस करूँ, या ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करूँ, या EIDS और AIMA में फर्क क्या है। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो आपको टीम जेकेबी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ऑन 9768455222 एंड 9768190255। फिर से रिपीट करता हूँ, 9768455222 पहला नंबर है, दूसरा 9768190255। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हो। सो ऑप्शन फॉर्म के बारे में आपको क्लियर है, और थोड़े थोड़े प्रेफरेंसेस डालना चालू कर दो, एक साथ 50 में डालो, 5-5 डाल दो ताकि ट्रांजेक्शन टाइम आउट ना हो, और कन्फर्म तभी करना जब आपने अच्छे से लिस्ट बनाई हो और यहाँ पे पूरा फिलअप कर दिया हो। पेरेंट्स का ब्लेसिंग लो ना, टेक द ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड और आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर दो। फ्रीज नॉट फ्रीज क्या है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर आपने कम ऑप्शंस भर दिए और वो कट ऑफ तक आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको नो अलॉटमेंट आ जाएगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा ऑप्शंस भर दिए तो आपको पक्का कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। तो कम स्कोर है तो ज़्यादा ऑप्शंस रखो, ज़्यादा ब्रांचेस के ऑप्शंस रखो, कॉलेज का रेंज बढ़ाओ। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिल गया तो उसमें फ्रीज और नॉट फ्रीज होता है। फ्रीज मतलब मुझे कॉलेज पसंद है, मैं जाके फ्रीज करूंगा, या पहला ऑप्शन मिल गया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो फ्रीज मतलब मुझे कॉलेज पसंद है, मैं जाके कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, आपका एडमिशन प्रोसेस का काम खत्म। लेकिन आपको पसंद नहीं आया कॉलेज लेकिन आपको मिल गया है तो नॉट फ्रीज करो। नॉट फ्रीज मतलब टेम्पररी आई एम एक्सेप्टिंग दिस सीट एंड आई एम लुकिंग फॉर द बेटरमेंट इन फर्दर राउंड। तो उससे क्या होगा, आप टेम्पररी एक्सेप्ट करोगे, जस्ट लेट से आपने 200 ऑप्शन भर दिए, आपको 90th प्रेफरेंस पे एक मिल गया, उस पर आप टेम्पररी एक्सेप्ट करके नॉट फ्रीज करोगे, उसको छोड़ना मत उसको, क्यों मैं आपको काउंसिलिंग में बताऊंगा पर्सनल। तो 90th प्रेफरेंस पे आपको मिल गया 200 ऑप्शन में, तो लास्ट के 110 ऑप्शन चले गए, 90th वाला रहेगा, तो वो आप सिलेक्ट करोगे और उसको नॉट फ्रीज करोगे। अगले राउंड में आप फिर से ऑप्शन फॉर्म एडिट कर सकते हो, आप 50 डाल सकते हो या 200 भी डाल सकते हो फिर से,
अगर आपने 50 डाल दिए तो 51st नंबर पे 90th वाला आ जाएगा। तो अगर आपको आगे के राउंड में बेटर में मिला, 50 में कोई मिला ऑप्शन में, तो आपका 51st निकल जाएगा जो पहले राउंड में आपको 90th प्रेफरेंस में मिला था। लेकिन अगर आपको बेटर में नहीं हुआ तो 51st आपका रिटेन होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ नॉट फ्रीज। आई होप आपको समझाई। ओके, सो आपको क्या करना है, राउंड 3 राउंड होते हैं, तो आपको क्या नॉट फ्रीज करना है, राउंड 2 में जाना है, नॉट फ्रीज करना है, राउंड 3 में जाना है, और फिर आपको फ्रीज करना है। लेकिन फर्स्ट राउंड में आपको बेस्ट ऑप्शन फॉर्म फिल करके बेस्ट अलॉटमेंट होना चाहिए। इसके लिए आपको एफर्ट डालना है। याद रखो, जो भी बेस्ट होगा वो फर्स्ट राउंड में होगा, राउंड 2 और 3 में बेटरमेंट होगा। फर्स्ट राउंड में गड़बड़ किया तो आपका चांस गया। और एक बार आपको अगर मनपसंद कॉलेज नहीं मिला या मनपसंद ब्रांच में नहीं मिला, मनपसंद ब्रांच नहीं मिला, और अगर आपको ऑप्शन फॉर्म में मिस्टेक किए, तो आपका 2 साल का जो पढ़ाई है वो वेस्ट जाएगा। सो डू कंसल्ट टीम जेकेबी एंड प्रोफेसर विनायक फ्रॉम जेकेबी एजुकेशन आईटी सर्विसेज टू फिल द बेस्ट ऑप्शन फॉर्म एंड अटेंड अवर ऑप्शन फॉर्म स्ट्रेटेजी काउंसलिंग एंड रैंकिंग सेशन काउंसलिंग, ताकि आपका ऑप्शन फॉर्म बेस्ट फिलअप हो। आई होप आपको इसे सब समझा। 4 साल का इंजीनियरिंग है, हम 4 साल बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं। मैं इंजीनियर्स एसोसिएशन में हूँ, एक रीजन का प्रेसिडेंट भी हूँ, और इसमें गेस्ट फैकल्टी जाता हूँ, खुद की आईटी सर्विसेज कंपनी चला रहा हूँ। तो 4 साल के इंजीनियरिंग में हम बच्चों को फर्स्ट ईयर में कोचिंग देते हैं, लेवल 1 प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में हम लेवल 2 प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में हम लेवल 3 इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। और फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में बच्चों को प्रोजेक्ट करना है और प्रीमियम प्लेसमेंट मिल जाता है कॉलेज का। और 4 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम है, हर साल उसकी फीस रहेगी। टीम जेकेबी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन फॉर्म का पूरा पार्ट समझ में आ चुका है। सो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो और करियर में कोई बड़ा गोल सेट करना चाहते हो, तो आप टीम जेकेबी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको अलग से उसका एक ग्लिम्स दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है यहाँ पे टीम जेकेबी में इनरोल करने के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये जो है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो आप, मैं आपको शेयर करता हूं। यस, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि हम 4 साल में बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। यस, फर्स्ट ईयर में कोचिंग और स्ट्रेटेजी रहती है। प्रोफेसर एनएस जुबी सर मेरे साथ है, जो विजड़े के एलिनी अमोल सर भी है। प्रोफेसर एनएस जुबी सर ऑथर है टाटा मैगजीन पब्लिकेशन के। आप फर्स्ट ईयर में इन्हीं का बुक पढ़ेंगे मैकेनिक्स एंड ड्राइंग के लिए। फर्स्ट ईयर में सबको सेम सिलेबस रहता है, आप सभी ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ोगे। टीम जेकेबी, प्रोफेसर एनएस जुबी सर जो ऑथर है, मैं और अमोल सर विजड़े वाले आपको फर्स्ट ईयर में कोचिंग और स्ट्रेटेजी देंगे। सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन की जाएगी ताकि आपको बेस्ट प्लेसमेंट मिले। थर्ड ईयर लास्ट ईयर में प्लेसमेंट की तैयारी नहीं करनी है, सेकेंड ईयर से करनी है। थर्ड ईयर में इंडस्ट्रियल कोर्स करना है, इंटरनेशनल इंटर्नशिप करनी है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और आपको इंडस्ट्री के कोर्सेज करने हैं, तो कैसे मेरे जो मेंटरशिप प्रोग्राम के बच्चे जिनको 30-40 लाख का प्लेसमेंट मिला है वो आपको आके पढ़ाएंगे। और फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स करना है, प्रीमियम प्लेसमेंट के लिए जाना है। और आप सबका सपना क्या है, फर्स्ट ईयर में मुझे अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी ब्रांच मिले, और मेरा अच्छा स्कोर आ जाए फर्स्ट ईयर में, अच्छा पढ़ाई करके अच्छा स्कोर आ जाए और बेस्ट प्लेसमेंट मिले फाइनल ईयर में। यह आपका और आपके पेरेंट का सपना है। लेकिन अच्छे इंजीनियर बनने के लिए मेरा ये सबसे नीचे मैंने गोल रखा है आपके लिए कि इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं लेकिन क्वालिटी इंजीनियर्स नहीं है। टू गेट द क्वालिटी इंजीनियर्स, ये मैंने स्टार्टअप के लिए बच्चों को मुझे रेडी करना है, सो दैट माय इंजीनियर्स वुड कम्पीट द स्टूडेंट फ्रॉम IIT, द स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, द स्टूडेंट फ्रॉम यूरोप एंड US, ताकि फ्यूचर में अच्छे इंजीनियर बने और वो एम्प्लॉय नहीं बने, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, एम्प्लॉयर बने, खुद की कंपनी, खुद का स्टार्टअप खोले या उसके लिए विजन रखे, और फ्यूचर में इंजीनियरिंग होने के बाद जॉब करके अपना खुद का बिजनेस खड़ा करे टेक्नोलॉजी में और कंट्रीब्यूट करे ह्यूमैनिटी को टेक्नोलॉजी में। सो आपको मेरा विजन पसंद आ रहा है। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, अगर आप इंजीनियरिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप टीम जेकेबी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाने के बाद बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट ईयर में गिल्टी लगती है। अगस्त में जनरली कॉलेज चालू होता है, सितंबर अक्टूबर में यूनिट टेस्ट रहता है, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, जिसमें पास होना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये अगर पास नहीं हुए तो फाइनल ईयर में फाइनल जो सेमेस्टर का रिजल्ट है वो फील आता है। नवंबर में आपका सबमिशन रहेगा, वाइवा रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। दिसंबर में आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मिला जुला कि 20-25 एग्जाम आप फर्स्ट सेमेस्टर में देने वाले हो। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर रहेगा आपको, सेकेंड सेमेस्टर में फिर से 20-25 एग्जाम देंगे आप, और 4 साल मिला कि आप 150-200 एग्जाम देने वाले हो।
और ट्वेल्थ में इतना पढ़े रहता है आपको, 12 महीने का टाइम रहता है, इंजीनियरिंग में आपको इतना पढ़ना है, ट्वेल्थ में इतना, इंजीनियरिंग में इतना पढ़ना है और 4-4 महीने का सेमेस्टर है। ये रीजन है कि बच्चों को गिड़ी लगती है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो। ये आपको वार्न कर रहा हूं मैं, टीम जेकेबी का नंबर यहाँ पे दिया है, सो आप जल्दी से वेकेशन में ट्वेल्थ की एग्जाम होने के बाद या सीडी की एग्जाम होने के बाद, सॉरी सीडी की एग्जाम होने के बाद, जेडब्ल्यू की एग्जाम होने के बाद, तुरंत वेकेशन टाइम में इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के पहले आप पढ़ाई करना चालू कर दो, ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट आ जाए। jkbeducation.com पे जाओ और वहाँ पे हर पेज पे हमारी सर्विसेज के बारे में पता करो और नीचे टेस्टिमोनियल्स पढ़ो कि कैसे हमारे बच्चे 50% वाला बच्चा जिसको 12th में 50% है, वो भी इंजीनियरिंग में 10 पॉइंटर लेके आता है, और 99% वाले बच्चे जो COEP विजड़ाई में रहेंगे उनको भी गिड़ी लगता है, क्योंकि 100% रिजल्ट किसी का नहीं आता पूरे इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र में, इंडिया में, मुंबई पुणे में किसी कॉलेज का नहीं आता। तो हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने प्रीमियम प्लेसमेंट लिया है कॉलेज का, देखो IIT में जाने का रेशियो कितना है, 15,000 सीट्स है एवरेज अप्रॉक्सीमेटली, और बच्चे कितने हैं 10-12 लाख, तो 0.2% से भी कम रेशियो है IIT में जाने का। सिमिलरली आपको कॉलेज का बेस्ट प्लेसमेंट मिलने के लिए क्या रेशियो रहेगा, 200-500 में से 1-2 बच्चों को बेस्ट प्लेसमेंट मिलता है, बाकी सबको अबव एवरेज मिलता है और बिलो एवरेज मिलता है। सो बॉटम लाइन ये है कि गेटिंग द बेस्ट प्लेसमेंट उसका भी रेशियो कम है, तो हमारा जो 4 साल का जर्नी है उसमें हम आपको बेस्ट प्लेसमेंट कैसे लेना है वो 4 साल की मेहनत से बताएंगे, तो आपको जरूर मिलेगा। तो आप jkbeducation.com वेबसाइट पे जाइए, हमारे कुछ बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग के बाद अब्रॉड गए हैं, US में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी, UK, आयरलैंड में, वापस स्कॉलरशिप लेके वो मास्टर्स कर रहे हैं, IITians से कम्पीट कर रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे हैं जो मास्टर्स करने के लिए IIT में गए हैं, कुछ बच्चे जो सिविल इंजीनियरिंग के, मेडिकल इंजीनियरिंग के हैं, वो गवर्नमेंट में क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बन चुके हैं, और बहुत सारे बच्चों को अबव एवरेज प्लेसमेंट मिला है, और कुछ बच्चों को कॉलेज का बेस्ट प्लेसमेंट मिला है। मतलब हमारा स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बाद क्या करता है वो भी सब हम बच्चों को बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, इंजीनियरिंग के बाद ये सब करियर का गोल है, ये सब भी हम मेंटरशिप करते हैं बच्चों को अब्रॉड मास्टर्स करने के लिए, इंडिया में मास्टर्स करने के लिए, MBA MTech करने के लिए, और स्टार्टअप करने के लिए या जॉब करने के लिए, करेक्ट? अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई रही हो तो डू कॉन्टैक्ट टीम JKB, एंड आई वुड लव टू इन्वाइट ऑल ऑफ यू फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ 4 years ऑफ इंजीनियरिंग इन JKB एजुकेशन IIT सर्विसेस। आई होप आपको ऑप्शन फॉर्म समझा, इसके पहले एप्लीकेशन फॉर्म था वो भी समझा, मेरे छोटे छोटे वीडियोज बना दिए कॉलेज के रिश्ते के लिए वो भी समझा रहेगा। सो इफ यू हैव अ बिग ड्रीम्स, इफ यू हैव अ बिग गोल इन लाइफ, एंड अगर आपको सच में कुछ करना है करियर में, कुछ हाइट्स, एक सर्टन हाइट्स करियर का अचीव करना है, तो आप ये गोल छोड़ के, सिर्फ प्लेसमेंट और बेस्ट कॉलेज का गोल छोड़ के, बेस्ट रिजल्ट का गोल छोड़ के, आप बड़ा गोल रखते हो तो हमारे पास आ सकते हो। देखो 4 साल इंजीनियरिंग करके आपको डिग्री मिलेगी, 4 साल एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर करोगे तो आपको बेस्ट प्लेसमेंट मिलेगा। अगर सिर्फ डिग्री से, किताबें पढ़ने से अगर कुछ अच्छा होता तो कॉलेज के प्रोफेसर्स वहाँ पे कम सैलरी में काम नहीं करते, वो भी इंडस्ट्री में आते, खास करके कंप्यूटर साइंस वाले जो प्रोफेसर से है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 4 साल आपको पढ़ के डिग्री मिलने वाली है, 4 साल अगर आप स्किल्स एक्वायर करोगे तो आपको बेस्ट प्लेसमेंट मिलेगा और खुद का बिजनेस सेटअप भी आप कर सकते हो। उसी के मास्टरमाइंड के लिए आप 4 साल की मेंटरशिप हमारे पास ले सकते हो। मैं पूरे महाराष्ट्र में काउंसलिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हजारों बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद मैं कुछ बच्चों को मेरे पास लेता हूँ, इन्वाइट करता हूँ और उनकी 4 साल मेंटरशिप प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि हर कोई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, बहुत स्पेशल बच्चे रहते हैं जो करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो हमारे जो APJ अब्दुल कलाम सर जो है प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, द पीपल्स प्रेसिडेंट, द मोस्ट लव प्रेसिडेंट, या हमारे मोदी जी है, जो भी अच्छे लीडर से इंडिया में, उनने बोला था कि इफ यू रियली वांट टू बी द ग्रेट नेशन द यूथ ऑफ दिस कंट्री शुड बी एम्पावर्ड। अगर हमको सच में महान बनना है, ऑलरेडी हम 5th इकोनॉमी है, हमको और आगे जाना है, सेल्फ सस्टेन होना है, चाइना को भी कम्पीट करना है, US और यूरोप को भी कम्पीट करना है, तो यहाँ के यूथ को एम्पावर करना पड़ेगा, उसको जॉब का सपना छोड़ के जॉब देने वाला बनना पड़ेगा। जैसे हम रतन टाटा जी का रिस्पेक्ट करते हैं, अटमोस्ट रिस्पेक्ट वी हैव फॉर रतन टाटा जी, रतन टाटा सर, बिकॉज ही हैव क्रिएटेड द मैक्सिमम जॉब इन दिस कंट्री। सिर्फ TCS, टाटा मोटर्स, उनकी कंपनी ने 73 कंपनीज है उनके, जैसे टाटा अंबानी का, बिरला का रिस्पेक्ट है। तो आपको इतना बड़ा गोल नहीं, लेकिन जो आपके नसीब में रहेगा, जो आप एफर्ट डालोगे, आपको अलग से गोल सेटिंग करना है। अगर सच में इस कंट्री में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, साइंस को, ह्यूमैनिटी को, इंडियंस को,
अगर आगे लेके जाना है, इस देश को महान बनाना है, तो आप सब लोग मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हो। टुगेदर विल बिल्ड योर करियर, और मेरे भी कुछ बड़े सपने हैं, उसको मैं अचीव करूंगा और आपके गोल के लिए, आपके करियर के लिए भी आपको हेल्प करूंगा। दिस इज प्रोफेसर विनायक फ्रॉम जेके एजुकेशन ग्रुप आईटी सर्विसेज। जय हिंद, गॉड ब्लेस, आई विल सी यू इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर योर ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग करियर एंड लाइफ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।